अपनी बीवी, अपना जीवन सब छोड़ चुका हूं, मैंने अपनी पूरी जिंदगी एसलीपीएस को समर्पित कर दी। आप लोगों ने साथ दिया, इतिहास बना देंगे, इतिहास बदल देंगे। झूठ को और सच की लड़ाई में हमारी विजय होगी। लोग मौत बेच के पैसा कमाते हैं, हम जिंदगी बेच के पैसा कमाएंगे। क्या गलत करेंगे? क्या गलत करेंगे? ये गलत काम है। और इसी आयुर्वेद के साथ अगर किसी का जीवन समर जाता है, अगर कोई किसी को ठीक करके दो पैसे कमा लेता है, तो क्या बुराई कर रहा है? अरे हॉस्पिटल वाला नहीं कमाता, मेडिकल स्टोर वाला नहीं कमाता, वो नकली दूध बेचने वाला नहीं कमाता, हम असली बेचने वाले कमाते हैं। तो हमारी सारी एमएलएम कंपनी है, हम डायरेक्ट सेलर हैं, हम चोरने का काम करते हैं, हम तोड़ने का काम करते हैं, हम चैन बनाने का काम करते हैं। अरे सालो, हम जिंदगी बांटने का काम करते हैं। हम जिंदगियां बनाते हैं, जिंदगियां संवारते हैं और लोगों की जिंदगियां बचाते हैं। हम वो काम करते हैं, हमारे जैसा काम तो कोई धर्म गुरु नहीं कर पाया। क्या करते हैं गुरु, तुम्हें पता ही है, अभी सारे जेल में आया ना। अरे मैं लाइफ में एक बात बोलता हूं, जीवन के अंदर ना कोई दान बहुत बड़ा काम करता, ना कोई धर्म बहुत बड़ा काम करता, ना मंदिर मस्जिद का चढ़ावा कुछ बड़ी बात है, ना किसी अनाथ को खाना खिलाना बड़ी बात है, ना किसी गरीब का पेट भरना बड़ी बात है। जिंदगी की सबसे बड़ी बात है किसी नाकामयाब आदमी को कामयाब कर दो, ये जिंदगी की सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ा धर्मात्मा किसी मरे हुए को बचा दो, ये जिंदगी की सबसे बड़ी बात है। किसी को जिंदगी दे दो, ये जिंदगी की सबसे बड़ी बात है। और जाने अनजाने में हम आए तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चलाने थे, लेकिन ये धर्म का काम परमात्मा ने अपने आप ही करा दिया। सही है। अभी हमारी कंपनी जब आई थी इंडिया में, तो लोग बोलते थे क्या होगा, कैसे होगा, बाजार में भी लोग बहुत बातें बोलते हैं। अच्छा कुछ लोग एक डायलॉग और मारते हैं, अरे पैसे पेड़ पे नहीं उगते। भाई पैसे पेड़ पे उगते नहीं उगते, लेकिन ये जड़ी बूटी सारी पेड़ पे उगती है, दोनों तरफ पेड़ लगे हुए हैं। इन जड़ी बूटी को बेच लो, पैसे पेड़ पे उगते जाएंगे, पैसे ऐसे चढ़ेंगे। ये प्रोडक्ट बेचो, पैसों की पतझड़ लग जाएगी, जब लोग ठीक होंगे तो परमात्मा भी तुम्हें आशीर्वाद देगा। अभी बाजार में बड़ी घमाघमी चल रही है, बोला यार उसका बंदा टूट रहा है वो भी एसलीपीएस में जा रहा है, इसका टूट रहा है वो भी एसलीपीएस में जा रहा है। ये एसलीपीएस कंपनी है, भूचाल है। अरे उल्लू के पट्टो, भूचाल नहीं, सुनामी है, सुनामी। लोग कंपनियां नहीं छोड़ रहे, झूठ को छोड़ के सच का साथ पकड़ रहे हैं। झूठे वादों से मुक्त होके सच्चे वादों के साथ जुड़ रहे हैं। जब मैं कंपनी लेके आया था, लोग बोले प्लांट ठीक है, जैसे भी प्रभु सिंह बता रहा था, प्रोडक्ट भी ठीक है, और एक प्योर क्या होता भाई, पेआउट भी ठीक है, पर कंपनी तो नेटवर्कर की है। तो मैं उन्हें आज जवाब देना चाहता हूं इस स्टेज के माध्यम से कि साला है नेटवर्कर की, पर एक ईमानदार और एक सच्चे नेटवर्कर की कंपनी है। एक भाई ही भाई का दर्द समझ सकता है, एक नेटवर्कर ही नेटवर्कर की पीड़ा समझ सकता है। आज 8-8 साल 10-10 साल हो जाते हैं, लोग कामयाब नहीं हो पाते, और ये 8 महीने में लोग कामयाब हो पाते हैं। इसके पीछे जो इमोशंस हैं, जो सोच है, वो उन दुखदायी कंपनियों की वजह से बनी। सालों अगर तुम ठीक होते ना तो एसएलपीएस बनती नहीं। तुम गलत हो, तुम्हारी ऐसी तैसी करने के लिए आई है। असली
हमने भी काम किया नेटवर्किंग कंपनी में, हमें तो उठा के दुबई ले जाएंगे, थाईलैंड ले जाएंगे, किसी ने नहीं पूछा किसके बीवी बच्चे का कितना सहयोग है। आज हम दुबई ट्रिप लेके गए, नेटवर्कर को नहीं लेके गए, उसके पूरे परिवार को लेके गए। और जब मैं आम से मिला, जब उनकी वाइफ के चेहरे पे खुशियां देखी, उनके बच्चों के चेहरे पे खुशियां देखी, तो मुझे लगा कि यार कंपनी बना के तेरा जन्म सफल हो गया, कंपनी हो तो ऐसी। साला हमने 6 साल काम किया, 2 करोड़ रुपए भी कमाए उस कंपनी में, पर हमारी बीवी को किसी ने नहीं पूछा। अरे रात को गर्म खाना तो वो देती थी, बच्चों को स्कूल तो वह भेजती थी, हमने पूछ लिया तो बोला लालच दे रहा है, ऐसे ही दूंगा जो उखाड़ना है उखाड़ लो। अभी तो बेटा दुबई भेजा, स्विट्जरलैंड भेजूंगा, तब क्या होगा, तब तो 10 लग जाएंगे। एसलीपीएस को इतिहास बनाएंगे, दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनाएंगे, लेकिन ईमानदारी से बनाएंगे, सच्चाई से बनाएंगे, अच्छे प्रोडक्ट बेच के बनाएंगे, लोगों को ठीक करके कमाएंगे, अच्छा पे आउट दे के बनाएंगे। अभी कई नेटवर्कर सेटवर्कर कई तरह के लोग मार्केट में घूमते हैं, आ जाते हैं, लेकिन नेटवर्कर भी तो नेटवर्क का दर्द समझता है। हाँ है ना, हमने साला कोई बोला नहीं तुम गाड़ी फाइनेंस कराओ, रे सीधा कैश पकड़, 6 लाख ले, 10 लाख ले, 13 लाख ले, सीधा कार फंड ले, फाइनेंस फाइनेंस के चक्कर में मत पड़िया। ये प्लान यहां से बनाया है, यहां से नहीं बनाया, ये प्रोडक्ट यहां से बनाए हैं, यहां से नहीं बनाए।